हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशनाज कुक बुक। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और फास्ट बनने वाली रेसिपी, जिसका नाम है पंजाबी फिश करी। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लेकिन इसका स्वाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। और गेस्ट आ रहे हो तो ये परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो आज की हमारी ये डिश बनाने के लिए हम ले लेंगे 500 ग्राम सुरमई फ़िश। आप चाहे तो रोहू या हलवा फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 6 से 7 पीसेस लिए हैं। और मैरिनेशन के लिए हम कुछ मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और हम यहाँ ले लेंगे नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ मैंने ले लिया है 2 टीस्पून वेनीगर, या फिर आप 2 टीस्पून नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम फिश में डालकर इसे अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। ये सारी सामग्री बोल में डालने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल, और फिर इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करते हुए इसे मैरिनेट कर देंगे। ये मैरिनेशन की वजह से ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इन्हें कोट कर दिया है मसाले में। तो अब हम इसे ढककर मैरिनेट करने रखेंगे 30 मिनट्स तक। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम मैरिनेट करने रख सकते हैं। टमाटो पेस्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज को इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, और 2 बड़े अच्छे लाल टमाटर का इस तरीके से रफली चॉप कर दिया है। हाँ, एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज को हमें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट बाद हमारी प्याज इस तरीके से ट्रांसलूसेंट हो गई है, इसका कलर हल्का सा बदल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर। तो टमाटोस ऐड करने के लिए फ्लेम मीडियम पे ही रखें, और इन्हें हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर अच्छे से मशी हो गए हैं। तो अब हम इसे प्लेट पर निकाल देंगे ठंडा होने के लिए, और फिर हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। हमारा ये प्याज और टमाटर का मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लेंगे। हमने इसे एक बार चला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ml पानी, और इसे ढक्कन लगाकर फिर से चला लें। तो यहाँ हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम फाइनल करी प्रिपरेशन के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर देंगे, और हमारी जो फिश के पीसेस है जिन्हें हमने मैरिनेट किया था 30 मिनट तक, इन्हें हम फ्राई कर देंगे। तो हमें इन्हें एक साइड पर फ्राई करना है 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो इन्हें मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे फिश के पीसेस को इस तरीके से पलट देंगे, और दूसरी साइड को भी हमें फ्राई करना है 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं फ्राई करने के बाद फिश के ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। तीन मिनट बाद दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से फ्राई होके तैयार हो गई है। सारे फिशेस के पीस को इस तरीके से पलट दें, और इस पे डाल दें हमारा ऑनियन टमाटो पेस्ट जो हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं रेसिपी कितनी ज़्यादा इजी है। एक ही कढ़ाई में हमने ये सारी चीज़ें कर ली है बहुत ही झटपट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे, और फिर हमें इसे कुक करना है लो फ्लेम पर 4 मिनट तक। इसी तरीके से खुला रख के बिना ढके हम इसे कुक कर लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक हमने ऐड किया है, क्योंकि मैरिनेशन में भी नमक था। और इसे अच्छे से इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर हम इसे ढककर पकाएंगे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन दबाए बेल का आइकन प्रेस करें, और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। इससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपका भी फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से 10 मिनट ख़त्म हो गए। हमने इसे ढककर अच्छे से पका दिया था लो फ्लेम पर।
तो अब हम इसे थोड़ा हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, जो बहुत ही चटपटा फ्लेवर देगा हमारे इस करी को, और एक टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथों से इस तरीके से क्रश करके ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के अनुसार पानी। पानी की मात्रा आप 200 से 300 ml के बीच में रख सकते हैं, या फिर जिस तरीके की ग्रेवी आपको पसंद है उस हिसाब से रखें। अब हम इसे बिना ढक्कन लगाए इसी तरीके से 2 मिनट तक सिमर होने देंगे। 2 मिनट सिमर करने के बाद हमारी ये फिश करी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं टेस्टिंग वीडियो क्लिप की तरफ जाने के लिए। अमन को ये करी कैसी लगी? हो गई है और अमन इसे टेस्ट करने वाला है। तो हमारा जो फिश है ना, बहुत ही जबरदस्त करी है और हमें पसंद आएगा। आई तो बताओ अमन, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, जूसी है, टमाटो का टेस्ट भी अच्छा है। टमाटो का टेस्ट अच्छा आ रहा है। ओके, मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ। द फिश इज सो टेंडर, और जो ग्रेवी का फ्लेवर है, जो मैरिनेशन का फ्लेवर अंदर तक है ना, इट्स रियली ऑसम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल का आइकन प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।